नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए नजर डालते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। योगी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए में हुआ 3% का इजाफा। उत्तर प्रदेश सरकार के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर में इजाफा करने का ऐलान किया है। इससे यूपी सरकार में सरकारी नौकरी करने वालों को महंगाई के खिलाफ बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी काफी लंबे वक्त से डीए में इजाफे की मांग कर रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर को 34% करने का फैसला लिया है। यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, झारखंड के बाद अब यूपी में भी नहीं जारी होंगे साहूकारी के लाइसेंस। प्रदेश में साहूकारों द्वारा लोगों को उधार पर धन देने की धंधे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए जाने वाले उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 को राज्य सरकार समाप्त करने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है। बैठक में यह सहमति बनी कि वित्तीय समावेशन के तहत गांव गिराव तथा बैंकों की पहुंच और लोगों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुलभता के कारण अब ये अधिनियम अनुपयोगी और अप्रासंगिक हो गया है। इस अधिनियम को निरस्त करना उचित होगा। अधिनियम निरस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में ना तो साहूकारी के नए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे और ना ही पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम की उपयोगिता, प्रासंगिकता और निरस्तता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों के आधार पर अधिनियम की प्रासंगिकता के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करने की मंजूरी दी थी। यूपी में आज फिर मानसून होगा मेहरबान, इन जिलों में जमकर होगी बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 3 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे यूपी वालों को एक तरफ जहां गर्मी से फौरी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर भी संतोष का भाव है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन यूपी में इसी तरह बारिश होती रहेगी। हालांकि इस दौरान कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। 23 जुलाई 2022 के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को गाजियाबाद में भी आज बारिश की संभावना है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया और आगरा समेत कई इलाकों में आज दोपहर बाद बारिश की संभावना है। यूपी के मेडिकल विभाग में सरकारी नौकरी पाने का मौका, 5000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां। उत्तर प्रदेश के मेडिकल विभाग में सरकारी नौकरी का मौका तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी डिग्री या पोस्ट बेसिक बीएससी उत्तीर्ण की हो या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो। खुशखबरी, यूपी बोर्ड में इतने नंबर पाने वालों को मिलेगी साल में 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप। यूपी बोर्ड की 2022 इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। बोर्ड ने छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र छात्राओं का कट ऑफ जारी कर दिया है। विज्ञान, वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 347, 341 व 321 अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन कर सकते हैं। योग्य छात्र छात्राओं के विवरण शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 20 जुलाई से 31 जुलाई तक खुला रहेगा। सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने मेधावियों को सलाह दी है कि इस वेबसाइट पर विस्तृत विवरण प्राप्त कर आवेदन अवश्य करें। ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं जो किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, वे ये छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे। भारी बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए यूपी सरकार ने उठाए ऐतिहासिक कदम। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद आने वाली बाढ़ और पैदा होने वाली अन्य समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति में लोगों के साथ ही उनके मवेशियों के भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार ने
तैयारी कर ली है। इसके अलावा उनके लिए सुरक्षित जगहों पर कैंप भी लगाने की तैयारी है। बाढ़ के दौरान सरकार महिलाओं के लिए एक डिग्निटी किट उपलब्ध कराएगी, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, कंघी समेत उनकी सुविधा का सामान रहेगा। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सुधीर गर्ग के मुताबिक बाढ़ के दौरान किसी के हताहत होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्याप्त मुआवजा भी देगी। वहीं मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के कारण नालों को बंद होने से रोकने के लिए उनकी पहचान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी के इन जिलों में स्कूल कॉलेज हुए बंद, कांवड़ यात्रा के कारण लिया गया ये फैसला। सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पहले ही विशेष तैयारियां की जा चुकी हैं। इस बीच यूपी के एक और जिले में स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुरादाबाद जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा, सभी स्कूलों और कॉलेजों को 25-26 जुलाई को बंद किया गया है। ये फैसला कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले मेरठ और गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ऐसा फैसला लिया जा चुका है। मेरठ के बाद गाजियाबाद और अब मुरादाबाद में स्कूलों को कांवड़ यात्रा के कारण बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को 22-26 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी किया है। यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए नोएडा में बनाया कंट्रोल रूम, बाइक सवार यात्रियों को बांटा हेलमेट और तिरंगा। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कांवड़ ले जा रहे भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यूपी पुलिस अपने नए काम से सभी का दिल जीतते नजर आ रहे। नोएडा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सावन महीने में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सभी कांवर मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यातायात नियमों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने दोपहिया वाहनों पर सवार श्रद्धालुओं को हेलमेट और तिरंगा झंडा भेंट किया है। बताया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही लगातार कांवर मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है। रोडवेज यात्री किराए में वृद्धि, मेरठ से हरिद्वार और दिल्ली गाजियाबाद के देने पड़ रहे इतने रुपए। कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली हरिद्वार हाईवे 58 को बड़े वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते रोडवेज की बसें बदले मार्ग से चल रही है। मेरठ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से गाजियाबाद और नोएडा के अलावा दिल्ली जाने वाली सभी रोडवेज की बसों को हापुड़ के रास्ते मेरठ तक भेजा जा रहा है। यह व्यवस्था अब 26 जुलाई तक रहेगी। इसके लिए अब यात्रियों की जेब भी यात्री किराए में अधिक ढीली हो रही है, यानी यात्रियों को 54 रुपए अधिक किराया देना पड़ रहा है। मेरठ से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के रास्ते कौशाम्बी तक साधारण बसों का किराया 76 रुपए किराया था। रूट डायवर्जन के कारण अब मेरठ से कौशाम्बी जाने वाली सभी बसों को हापुड़ के रास्ते से भेजा जाएगा। इस कारण से अब इसके यात्री किराए में वृद्धि कर दी है। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के 21,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस 1.5 लाख के पार। भारत में कोरोना के प्रति लापरवाही इंसानी जान पर भारी पड़ सकती है। शनिवार लगातार तीसरा दिन रहा जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले 21,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 21,411 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 21,880, गुरुवार को 21,566 और बुधवार को 20,557 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,100 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 67 और मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,997 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.34% है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगों की राष्ट्रीय दर 98.46% दर्ज की गई है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।